सिद्धार्थ शुक्ला, पुनीत राजकुमार, इनका जो ध्यान हुआ है, इनकी मृत्यु जो हुई है, इसका पीछे कारण क्या है, आज वीडियो में बात करने वाला हूं मैं। और बात करूंगा स्टेप बाय स्टेप, भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, क्यों इतनी छोटी उम्र में इनका देहांत हो गया, क्यों, क्या हुआ, कैसा इनका जिम में क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, आज सब इन बातों पे मैं आज इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ पाए कि वो गलतियाँ आप ना करें जो इन्होंने की। जो इनके फिटनेस ट्रेनर्स थे, जो इनका जिम ओनर्स थे, मेरे आज उनसे कुछ सवाल हैं, मैं चाहता हूँ आप इनके जवाब दीजिए। और जितनी जो ऑडियंस है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरी ऑडियंस है जो सुन रही है वीडियो को, इससे आप लिंक कीजिएगा, अपने आप को रिलेट कीजिएगा, क्या आपके साथ ये हुआ कि नहीं हुआ। मेरा पहला क्वेश्चन उन सभी फिटनेस ट्रेनर से, उन सब जिम ओनर से जिनके जिम में ये दोनों शख्सियत जाके अपना वर्कआउट किया करते थे, क्या आपके जिम के जो ट्रेनर्स हैं क्या वो सर्टिफाइड हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या आपके जिम के ट्रेनर्स CPR AED होल्ड करते हैं, क्वेश्चन मार्क। क्या आपके जिम के अंदर इन दोनों सेलिब्रिटीज का शख्सियत का, भगवान की आत्मा को शांति दे, क्या आपने अपने जिम में रिस्क स्टार्टिफिकेशन रन किया, क्या होता है रिस्क स्टार्टिफिकेशन पता है आपको, क्वेश्चन मार्क। अगर मेरे फादर डायबिटिक हैं, मुझे डायबिटीज होने के पूरे चांसेस हैं। अगर मेरे घर में किसी को हार्ट अटैक हुआ था, मेरे फादर को, मेरी मदर को, पूरे चांस है मुझे भी हो सकता है। मेरे घर में किसी को स्ट्रोक हुआ था, चांस है मुझे भी हो सकता है। स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब आता है रिस्क स्टार्टिफिकेशन के अंदर, इनके पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली ही वर्कआउट डिजाइन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या आपके जिम्स के अंदर आपके फिटनेस ट्रेनर्स ने, सो कॉल्ड फिटनेस ट्रेनर्स ने फिजियोलॉजिकल फंक्शनल असेसमेंट किए इन लोगों के? क्या आपके जिम के ट्रेनर्स ने, इन जिम ओनर्स ने इन क्लाइंट से पाके फॉर्म भरवाया, क्वेश्चन मार्क। क्या आपने इन क्लाइंट से हेल्थ क्वेश्चन भरवाया, पार्क्यू भरवाया, क्वेश्चन मार्क। क्या आपने मेडिकल क्लियरेंस लिया, क्वेश्चन मार्क। क्या आपने इन लोगों की मेडिकल हिस्ट्री जानी, क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोगों ने एक्सरसाइज हिस्ट्री जानी, एटीट्यूड क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड स्क्रीनिंग इको करवाया, ECG करवाया? आई एम सेइंग इको, व्हाई इको इज अबव ECG, इज द मोस्ट एक्यूरेट वे ऑफ चेकिंग हाउ माय हार्ट इज वर्किंग। कोई कार्डियक अरिथमिया तो नहीं है, डिसफंक्शन तो नहीं है, क्या आपने चेक किया इन क्लाइंट्स का? मैंने इनके वीडियोस देखे, इन सो कॉल्ड फिटनेस ट्रेनर्स को इनको करवाते हुए प्लायोमेट्रिक करवा रहे हैं। क्या आपने फंक्शनल हेल्थ फिटनेस परफॉर्मेंस, ये जो पैरामीटर्स होते हैं, क्या इनको फॉलो किया, क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स का होमोसिस्टीन लेवल चेक किए, क्वेश्चन मार्क। क्या आपने अपने क्लाइंट्स की विटामिन डी B12 चेक किया, क्वेश्चन मार्क। ये सब ना होने की वजह से आज की डेट में जिम्स में यंग लोग अपनी सांसें खो रहे हैं, उनका देहांत हो रहा है, और जिस वजह से हमारी इंडस्ट्री, फिटनेस इंडस्ट्री बर्बाद हो रही है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो ये वो लोग हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार नहीं है, पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, लिखने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ ये बना के इनको लगता है कि हम ट्रेनर बन गए। जितने भी सेलिब्रिटीज जो आज के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो कि फिटनेस कंपनीज को स्पॉन्सर करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस को स्पॉन्सर करते हैं, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, नाम गिनवाऊंगा इसमें, सुनील शेट्टी सर का, अक्षय कुमार सर का, सोनू सूद सर का, आप लोग काफ़ी फंडिंग देते हैं अच्छी कंपनीज को, उनको ग्रो करने के लिए। सर, क्या आपने कभी जाना वहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं, क्या वो क्वालिफाइड हैं? यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, पहले मैं मोटा था, पतला हुआ और अब मैं ट्रेनर हूँ। दोबारा रिपीट करता हूँ, पहले मैं पतला था, पहले मैं मोटा था, अब मैं पतला हुआ और अब मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ। क्या ये तो नहीं है? ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं अगर हमने अपनी इंडस्ट्री को रेगुलराइज करना है तो, अगर हम चाहते हैं हमारे इंडस्ट्री में जो हमारे फिटनेस ट्रेनर्स हैं वो आगे बढ़ें और पूरे वर्ल्ड के साथ हम कंपीट करें, तो हमें ये चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये कारण है इन दोनों शख्सियत के निधन के। मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे प्रार्थना है, विनम्र निवेदन है कि कृपया करके इन मुद्दों पर बात उठाइए। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं चाहता हूं जो हमारे जो मिनिस्ट्री है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, वहां तक ये वीडियो जाए और इस पर सख्त कानून
पास किए जाएं ताकि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी उठ के आके यूट्यूब पे ज्ञान ना दे। जिम्स के अंदर एक नियम प्रोटोकॉल होना चाहिए कि आदमी को इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए तभी वो जिम में ट्रेनर बन पाएगा। ये नहीं हो कि कोई रिक्शा वाला, कोई ट्रक ड्राइवर जो जहाज चलाता है उसको इंटरेस्ट है फिटनेस के अंदर, वो ज्ञान दे रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मेरा DNA अलग है, आपका DNA अलग है, वन साइज नेवर फिट्स ऑल। हर एक आदमी का जो कस्टमाइजेशन होता है प्रोग्राम का, डाइट का, वर्कआउट का, वो अलग होता है। इन तीनों शख्सियत के जो ट्रेनर्स हैं, इन दोनों शख्सियत के ट्रेनर्स, इनके न्यूट्रिशन कोच, मैं से पूछना चाहूंगा क्या आपने ये स्क्रीनिंग कभी की थी इन क्लाइंट्स की? आई एम श्योर आप लोगों ने नहीं की, अगर की होती तो कभी ये होता ही ना। सो बहुत दुख की बात है कि हमारे इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ें ना होने की वजह से कितने लोग आज की डेट में अपनी जान गंवा रहे हैं। जो फिटनेस ट्रेनर्स ये बोलते हैं कि हमारे क्लाइंट हमारे सुनते नहीं हैं। सर मैंने 15 साल दिए इंडस्ट्री को, मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट नहीं है जो मैं ना सुनता हो। अगर आपके क्लाइंट आपके नहीं सुनता है तो आपको अपना प्रोफेशन चेंज कर देना चाहिए, किसी गुरुद्वारे मंदिर में जाकर जॉब करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपके लिए फिर ये प्रोफेशन है नहीं। ये सब बातें थी जो मैंने इस वीडियो में कही, और मैंने साफ सीधे लफ्जों के अंदर ब्लेम किया है उन जिम ओनर्स को, उन फिटनेस ट्रेनर्स को जिनकी ऑब्जर्वेशन में इन लोग ये लोग ट्रेनिंग किया करते थे। और आई एम सरप्राइज शॉक्ड कि आप लोगों ने क्यों ये सब टेस्ट नहीं करवाए इन क्लाइंट्स के, जिनकी वजह से इनको छोटी सी उम्र में अपनी जान गंवानी पड़ी, अपनी फैमिली को छोड़ के चले गए। एंड पूरा जो हमारा इंडस्ट्री है, बॉलीवुड है, हमारे साउथ की इंडस्ट्री है, वो आज के डेट में दुख में है इनके जाने की वजह से। मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। जितने क्लाइंट्स ये देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा ताकि ये जो हुआ इंसिडेंट हुआ, जो दो इतने नोबल लोगों ने अपनी जो जान गंवा दिया, वो दोबारा ना हो। प्लीज़ कीजिएगा।